इसकी ऑन किया। भाई समुद्र है भाई, पानी इधर फट रही है मेरी। भाई अंदर में आपको नहीं दिख रहा हूँ, मैं उजले में दिखाऊंगा। तो ऑटो से उतरने के बाद सीधा हम आ जाते हैं रूम देखने के लिए, और हमें रूम मिल गया है 500 रुपये में। बस हमें लैगेजेस रखना था, तो उस हिसाब से हमने रूम देखे है, उसमें हमको लिफ्ट फैसिलिटी मिली। और गाइज हम लोग रूम के अंदर में जैसे ही आते हैं तो पता चला बेड, जैसे ही बैठा बेड पे क्या क्रैक हो गया। कोई ना, 500 रुपये में क्या ही मिलना था, रेस्ट मेरे नसीब में नहीं था। तो आपको मैं गाइज ये रूम देख लिया, आपने वॉशरूम दिखाता होगा इस आपको। ये देखो ये भी काम कर रहा है वॉशरूम में, नल 24/7 खारा पानी है, लेकिन नल पूरा चालू है, शावर पूरा चालू है देख सकते हो, और यहाँ पे भी सारा पानी है। ओवरऑल 500 रुपये के हिसाब से भाई बहुत सही रूम मिला है हमको। बस इतना है कि थर्ड फ्लोर पे, लेकिन लिफ्ट फैसिलिटी है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं गई हमको लगेजेस के लिए। तो फटाफट से निपटा के गाइस हम चलते हैं मंदिर की तरफ। मॉर्निंग का 5:30 बजे का टाइम कुछ ऐसा है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो ये मंदिर का लेफ्ट साइड का पार्ट है। और हम लोग सीधा चल जाते हैं अग्नि तीर्थ की तरफ में नहाने के लिए। सबसे पहले वहाँ पे नहाना होता है, और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि संडे का दिन भी था। बॉटल खरीद लिए, बॉटल में 22 कुंड का पानी आएगा। पानी के लिए मतलब 22 कुंड का पानी के लिए बॉटल ले लिए, ये बहुत ज़रूरी है आपको अगर पानी घर पर लेके जाना है तो। अभी आगे में मंदिर है, आगे में मंदिर है।
तो ये था गाइस हमारा रूम, और जो आपको एकदम मॉर्निंग में डार्क टाइम यहाँ पे हाई रेट पे बहुत कुछ है, लेकिन दिस इज द ओशन व्यू। गाइस ये सारे यहाँ पे बोट्स हैं, जैसे कि आपने अभी तक के देखा गाइस, अभी हमने सबसे पहले मॉर्निंग में उतर के ऑटो किया, ऑटो ने 500 रुपीज़ लिया मंदपम से रामेश्वरम के लिए, क्योंकि रामेश्वरम के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी बिकॉज वहाँ पे मंदपम में ब्रिज का काम चालू है, तो हमको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ा। उसके बाद में हमने एक रूम किराए से लिया, पहले स्टार्टिंग में तो 900 रुपये बोले थे आगे में, लेकिन मंदिर से थोड़ा राइट जाके अंदर में हमको 500 रुपये में अच्छा खासा रूम मिल गया, क्योंकि हमको दिन भर घूमने आया और बस लगेजेस रखने के लिए हमको रूम होना, तो उस हिसाब से हमने 500 रुपये में रूम लिए, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन मिला हमको। अभी इसके बाद में हमने वहाँ पे नहाना नहीं है, नहाना सीधा आपको समुंदर में है, वहाँ पे रुकी लगा के आपको सीधा मंदिर में जाना है, और मंदिर में आपको 22 तीर्थ कुंड बोलते हैं उसको, उसमें आपको नहाना है, मीन्स वो लोग आपको पानी डाल के देंगे। वहाँ पे भी दो कैटेगरीज होती है, एक 25 रुपये की टिकट निकालना पड़ता है, एक 125 की, 125 वाला आपको पर्सनल ट्रीट करेगा, वो 22 कुंड में आपको पूरा नहलाएगा, पानी भी देगा और तीर्थ का पानी देगा, हर किसी को नहीं देते हो, मतलब हर सब हर किसी के लिए रहता है, लेकिन प्राइवेट वाले अलग है और सरकारी वाले अलग होते हैं, तो उसने ऐसे ही बोला था, ऐसा कुछ बोला था, हम लोगों ने सरकारी वाले में लिए 25 रुपये वाले में, थोड़ा लाइन में लगना पड़ा, लेकिन लाइन में लग के हमको बराबर से टाइम से ही मिला, सब कुछ हो गया प्रॉपरली, जैसे कि आपने अभी तक की वीडियो में देखे हो। और अभी इसके बाद हम लोग पूरा रामेश्वरम घूमने जाएंगे, और ऑटो वाले ने बोला है कि ऑटो वाले लेगा सिर्फ उसका 1200 रुपये 7 लोगों के, तो आपको उससे बार्गेनिंग वगैरह करना है, क्योंकि ये लोग बहुत हाई रेंज बताते हैं उस हिसाब से। बाकी ओवरऑल तो सब सही रहा, लेकिन अभी आगे में देखते हैं आपको, अभी पूरा मैं खुद घूमूंगा। तो फटाफट से घर पे कपड़े वगैरह एक्सचेंज करने के बाद में मैं आ जाता हूँ गाइस दर्शन करने के लिए, और दर्शन के लिए भी 2 घंटा कम से कम लाइन लगना पड़ेगा, क्योंकि गर्दी आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्दी है, सब लोग मॉर्निंग से है। एज यू कैन सी गाइस, आपने अभी तक के जहाँ जैसा देखा कि जहाँ तक के हुआ पॉसिबल, मैंने वहाँ तक शूट किया, लेकिन जहाँ से फ़ोन प्रोहिबिटेड था वहाँ से नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी, लेकिन जितना हुआ उतना मैंने कवर करा है, बाकी का आप यहाँ पे आओगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा, लेकिन एक बार आपने यहाँ पे आना चाहिए तो आपको पता चलेगा। आइएगा जरूर और धनुषकोटी आइएगा, धनुषकोटी सबसे मेन है, वहाँ का भी ब्लॉग डालेंगे, हम जा रहे हैं अभी, अभी हम लोग यहाँ से सीधा धनुषकोटी जाएंगे, और यहाँ से पूरा भी ऑल ओवर कवर करेंगे, 12 जगह है और घूमने की, तो आप वीडियो में। रामेश्वरम टेम्पल घूमने के बाद हमें जाना था पूरा रामेश्वरम घूमने के लिए, तो हम फटाफट से खाना खा के निकल पड़ते हैं रामेश्वरम घूमने के लिए गाइस। तो ये है श्री विभीषण जी का टेम्पल, पूरा समुद्र दिखेगा, लेकिन यहाँ का पानी भी सूखा हुआ है, उस साइड में है समुद्र का पानी चालू है। तो मैं मंदिर घूम ही रहा था कि यहाँ पे देखा तो ये बिल्ली सौ चूहे बेचकर मस्त से खराड़े मारते सो रही है, तो इसको मैं डिस्टर्ब ना करते आगे बढ़ लिए हम लोग। आप लोग जो ये प्लेस देख रहे हो गाइस, ये रामेश्वरम का रेलवे स्टेशन था, जो कि सुनामी के बाद पूरा ऐसा हो गया। रामेश्वरम ये एक बहुत बड़ा सिटी था, लेकिन 1964 में यहाँ पे सुनामी आया, उसके बाद में यहाँ पे पूरा सब तहस नहस हो गया, और तहस नहस होने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था। ये आप देख सकते हो पूरा ये पुराना रेलवे स्टेशन, इसकी हालत कैसे हो गई है 1964 के बाद में, आप वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो 1964 बिफोर। यहाँ पे छोटे से मंदिर बने हुए हैं राजकाली अम्मा जी का, और उसके बाजू में है श्री
राम जी का मंदिर, वहाँ पे शिव कुंड है और ये है श्री राम जी के चरण जो कि धरती ने फुटप्रिंट ले लिया है। और यहाँ से थोड़ा सा राइट में है शिव जी का बड़ा पिंड। तो गाइज़ यहाँ का ये बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ इसके बाजू में कुछ खरीदी के लिए सामान। तो चलिए गाइज़ आपको दिखाता हूँ धनुषकोडी। यहाँ से आगे में धनुषकोडी है, धनुषकोडी ये इसके बाद एंड है गाइज़ इंडिया का। वहाँ से फिर कुछ किलोमीटर के बाद में श्रीलंका स्टार्ट होता है। और ये वाला कौन सा बोले, बंगाल खाड़ी महासागर। यहाँ पे दो आके ले रहे, देखो गाइस बंगाल वाला सागर। और यहाँ पे सब लोग नहा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ख़तरा नहीं है, इसकी लहरें आप देख सकते हो शांत है। लेकिन ये जो हिंद महासागर है गाइस ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसकी लहरें बहुत ज़्यादा तेज है। ये है राम सेतु और ये पूरा टापू पे है, मीन्स पूरा पानी के ऊपर है। यहाँ से श्रीलंका है। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टोरी हम उसके बाद आए थे कि राधा कृष्ण के रूप में और रामाकुंड में। ये रामाकुंड है और ये श्री राधा कृष्ण टेम्पल। लक्ष्मणेश्वर मंदिर श्री भोलेनाथ जी नटराज रूप में नृत्य करते हुए। विजय भैया ने बहुत साथ दिया, विजय भैया ने पूरा घुमाया हमारे को, विजय भैया ने पूरा गाइड किया टोटल। थैंक यू विजय भैया, आओ कभी नागपुर में, ठीक है आऊँगा। भैया का नाम जयप्रकाश भैया, थैंक यू भैया। विजय भैया ये आपका नाम, तो गाइस विजय भैया की टीम ने बहुत सपोर्ट किया, विजय की टोली एकदम जबरदस्त है। विजय भैया, जयप्रकाश भैया, ब्रिजेश भैया और ओम शिव भैया सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो, लाइक कमेंट हमारे ये विषय में करना, सब्सक्राइब करना, चलो बाय। तो इस होटल में हम लोग गाइस स्टे करे, 500 में हमें बहुत अच्छा रूम मिला लेकिन बेड अच्छा नहीं था, बाकी सब ठीक है। पानी 24/7 और वो भी अच्छा पानी है, इसलैंड स्टार होटल। तो फटाफट से हम लोग तैयारी करके निकल जाते हैं मदुरई के लिए। और गाइज हम लोग रात में कहीं पर रुके नहीं, सीधा मदुरई के लिए भागे। एज यू कैन सी गाइज जैसे फोटो में देख सकते हो, विभीषण मंदिर, राम तीर्थ, राम मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, फ्लोटिंग स्टोन, जय हनुमान मंदिर, नटराज टेम्पल, लक्ष्मण तीर्थ एंड जरूका।
पुरानी इमारत और धनुषकोडी। तो इन सब जगहों पे गाइस बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, आप भी आओ। और ये है पंबन ब्रिज, ये रेलवे लाइन है, यहाँ से रेलवे जाती है। तो हमने मदुरई की टिकट निकाल ली है, मीनाक्षी टेम्पल जाएंगे अभी, सीधा मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अभी तक के अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मिलते हैं सीधा पार्ट 3 में।